खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं हूँ आईसी पटेल। खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राजस्थान के इंद्रगढ़ से मनीष कुमार सेन की यह रिपोर्ट। बूंदी जिले के इंद्रगढ़ कस्बे में करीब 15 दिनों से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे लोगों को पानी पीने में काफी परेशानी हो रही है। दूषित पानी की सप्लाई में लोगों में बीमारियों का भय बना हुआ है। वार्ड नंबर 10 के वार्ड वासियों ने दूषित पानी की समस्या को लेकर तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा एवं जल्दी समस्या के समाधान की गुहार लगाई है। रिपोर्टर मनीष कुमार सेन के साथ। हमारे इंद्रगढ़ शहर में इतना दूषित पानी की सप्लाई हो रही है कि लोगों को पीना दुश्वार हो रहा है। लगभग 15 दिनों से पानी दूषित आ रहा है। लोगों ने इसकी शिकायत भी की है और आज वार्ड नंबर 10 के वार्डवासी तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देने पहुंचे हैं, तो ज्ञापन दिया है। और लेकिन दूषित पानी अभी तक साफ नहीं आ पा रहा है, इससे लोगों में बीमारियों का भय बना हुआ है। इसके लिए हम बात करते हैं वार्डवासियों से, इनका क्या कहना है, कब से पानी गंदा। हाँ, मैं वार्ड नंबर 10 का निवासी हूँ, लेकिन पूरे इंद्रगढ़ में 15-20 दिनों से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। कीचड़ वाला पानी आ रहा है, कीचड़ जैसी बदबू आती है। पानी में छोटे छोटे कीड़े भी महसूस किए हैं हमने, और पीने में भी बहुत बदबूदार पानी लगता है। उल्टी होने की आशंका रहती है, जी घबराता है। हम प्रशासन को पहले ही अवगत करा चुके हैं, लेकिन प्रशासन जो है शांत होने के अलावा कुछ भी नहीं देता है हमें। जब आपने पहले अवगत करवाया था तो आपको क्या जवाब मिला था? हमको ये जवाब दिया कि हमने टंकी की सफाई करवा दी है और एक दो दिन में पानी सही आ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कोई दोबारा हमारी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज हम सब समस्त वार्डवासी ज्ञापन देने आए तहसील में, अब हमारी जल्दी जल्दी सुनवाई होगी, ऐसी हम आशा करते हैं।